गिबोन शहर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सुलेमान राजा की बुद्धि प्राप्ति के लिए जो उसने गिबोन के ऊंचे स्थान पर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाए थे वो याद आता है कि गिबोन में वो जगह थी जहां पर परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा सुलेमान को ये दर्शन दिया था और उसे कहा था यहोवा ने ये वाचा बांधी कि जो वो मांगेगा यहोवा परमेश्वर उसे देंगे। और सुलेमान राजा ने वहाँ पर परमेश्वर के लिए बहुत से बलिदान को चढ़ाया और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने उसे बुद्धि तो दी, ना फिर उसके जैसा कोई और बुद्धिमान हुआ और ना होगा, परंतु फिर भी जो उसने नहीं मांगा था धन और महिमा वो भी परमेश्वर ने उसे दिया और परमेश्वर ने उसको गिबोन में दर्शन देकर बहुत बड़ी आशीष दी। परंतु गिबोन नगर जो था वो बहुत ही खास था, उसकी एक बहुत प्राचीन इतिहास है जो कि सुलेमान से भी प्राचीन इतिहास है, यहोशू और उसके बाद शमूएल राजा और उसके बाद दाऊद राजा और उसके बाद गिबोन में क्या क्या हुआ आज की इस खास वीडियो में हम देखेंगे। अपने बाइबल अध्ययन को कीजिए और अपनी बाइबल को आप साथ साथ निकालिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि गिबोन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्यों गिबोन नगर इतना खास है। यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसमें लिखा है जब यरूशलेम के राजा अदोनी से देख ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया है और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे तब वे बहुत डर गए क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यमूर्त के राजा पिराम, लाकीश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास ये कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें क्योंकि उसने यहोशू और इसराइलियों से मेल कर लिया है। जो पद पढ़े गए और जो पद आगे पढ़े जाएंगे इन फोटो में आपको वो जगहें देखने को मिलेगी, तो अपनी बाइबल स्टडी करिए और इन फोटो को ध्यान से देखिए ताकि जो भी पद पढ़े जा रहे हैं आप उस जगहों को अच्छे से नोट कर सकें। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यमूर्त, लाकीश और एग्लोन के पांचों एमोरीय राजाओं ने अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उनसे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए और इसराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथरोन की चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए तब अजेका पहुंचने पर यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए और ओलों से मारे गए, उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार मारे हुओं से अधिक थी। समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन पर की तराई के ऊपर थमा रहे, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशार नामक की पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग चार पहर तक न डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये पूरा गिबोन के अंदर आता है, गिबोन नगर के, और ये नबी शमूएल की जो आपने कब्र देखी थी इसलिए मैंने आपको बताया कि शमूएल नबी से गिबोन की जगह का बहुत ही खास एक महत्व है क्योंकि गिबोन में जो ऊंचा स्थान था वहीं पर नबी शमूएल की कब्र है और शमूएल यहाँ पर आए जाए करता था। यहाँ पर परमेश्वर की वेदी को उसने बनाया था और उसी के घर में उसको मिट्टी दी गई थी जो कि रामा नगर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर था। ये वो जगह है जहाँ से पूरा गिबोन आपने देखा और इसी गिबोन के ऊपर यहोशू की बात के अनुसार कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और ये गिबोन का बिल्कुल सबसे ऊंचा स्थान है और सुलेमान राजा ने भी यहीं पर परमेश्वर के लिए वेदी पर बलिदान चढ़ाए थे और यहीं पर सुलेमान राजा ने
जो है परमेश्वर से बुद्धि प्राप्ति के लिए दर्शन पाया था, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ये आशीषित जगह थी। यहाँ पर परमेश्वर शमूएल नबी से बातें करता था। यहाँ पर यहोशू ने बहुत बड़े अद्भुत काम को किया था, बहुत सी जीत को हासिल किया था। और उसके बाद अभी हम बाइबल में से पद पढ़ेंगे, दाऊद राजा ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़े जीत को प्राप्त किया था। तो हमारी बाइबल के अनुसार गिबोन नगर बड़ा ही खास नगर है और इसकी स्टडी आपको पता होनी चाहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही बाइबल की अच्छी जानकारी को हिंदी में प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं। जो भी यहोशू के विषय में आपने इस वीडियो में देखा है वो आप यहोशू की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। उसके पहले अध्याय से ये शुरू होता है और इसके 10वें पद तक 11वें पद तक ये गिबोन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और गिबोन नगर में एक और चीज़ खास पाई जाती है, जो है गिबोन का ताल। और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, इसके लिए आप दूसरा शमूएल और उसके दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। जो ये आप ताल देख रहे हैं, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। और अभी आज की इस वीडियो में हम इस ताल के विषय में भी पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र तेश के जन महनेम से गिबोन को आए। तब सरुआ का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले और दोनों दल उस पोखरे के एक एक ओर बैठ गए। तब अबनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वे उठें। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र ईश बोतेश के पक्ष के लिए 12 जन गिन कर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले। और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्क थस सुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इसराइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। परंतु योआब और अबीशै अबनेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गी के सामने है, अर्थात गिबोन के पोखरे के जिसके विषय में आपने सुना वो यही जगह है। और यहाँ पर यहोशू के द्वारा प्राचीन लड़ाइयों को लड़ा गया और यहाँ पर बहुत से युद्ध हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर मारे गए हैं। और सेनाओं का यह हुआ संग्राम करने के लिए इस जगह पर उतरा था, क्योंकि वो इसराइलियों की तरफ से लड़ता था। और दाऊद राजा के समय पर भी यहाँ बहुत बड़ा संहार हुआ और इसी पोखरे के ऊपर बहुत से लोग मारे गए। तो ये इतिहास एकदम प्राचीन है और ये जगह आज भी देखी जाती है। बहुत ही प्राचीन इस पोखरे का इतिहास है जो कि गिबोन में है। जैसे आपने बाइबल के सारे पद पढ़े उसी रीति से जब यहाँ पर खुदाई की गई और जब यहाँ पर आज आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये पता लगाया गया कि ये बिब्लिकल गिबोन नगर है जो कि यहाँ पर स्थित है। और जो भी आपने गिबोन के जंगलों को देखा, जो भी आपने गिबोन शहर को देखा, उस पर बिब्लिकल बहुत से एविडेंस मिले हैं और बहुत से पक्के प्रमाण मिले हैं कि हमारी बाइबल में लिखी हुई बातें, चाहे वो शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखी हो और चाहे वो यहोशू की पुस्तक में लिखी हो, एकदम सत्य हैं। और यहाँ पर ही दाऊद राजा आए थे, यहाँ पर सुलेमान राजा आए थे। और बहुत ही प्राचीन बिब्लिकल ये जगह है, इसलिए गिबोन नगर की जानकारी को करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी छावनियों के द्वारा युद्ध लड़े गए और उस युद्ध में सेनाओं को यहोवा अपने लोगों को जीत दिलाता था। ये वही पोखरा है और बहुत सी जगहों पर बाइबल में ये पोखरे की जिक्र है। तो इसलिए आप बाइबल ज़रूर से पढ़िए ताकि आप सारी बातों को समझ सकें, क्योंकि यहोशू ने कहां कहां पर युद्ध किया और किस प्रकार उसने कनान देश में एंट्री ली, कनान देश में आया और किस प्रकार इसराइल के 12 गोत्रों को उसने जगह को वितरण किया। और परमेश्वर ने जैसे यहोशू से वाचा बांधी थी कि वो कनान देश अपने लोगों को देगा, तो उसने दे दिया और कोई भी बात बिना पूरे हुए ना रही। और यहोशू ने कहा कि मेरे जीवन की शपथ, मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। ये ताल यहोशू के समय से बहुत ही खास ताल है और आज भी यहाँ पर बहुत से लोग देखने को जाते हैं।